the penal demerit charges imposed by railway authorities. Thank you, Madam. Sri Ganesh Singh Ji. Shavapati Mohdya, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान देश के उन 70% किसानों की खराब स्थिति की तरफ. एक विषय अलाउड है. मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ किसानों का ही विषय, दूसरा कोई विषय इसमें इंक्लूड है नहीं. किसानों की खराब स्थिति की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ, क्योंकि देश का किसान दिन रात मेहनत करता है. जितना उत्पादन में लागत खर्च आ रहा है, उसके बदले उनके फसलों का दाम उन्हें नहीं मिलता. वैसे भी देश में किसानों की खेती भगवान के भरोसे है. लगातार देश का किसान सूखा, बाढ़, पाला और अब तो इल्ली जैसे कीटाणुओं एवं अन्य बीमारियों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है. लगातार घाटे में कर्ज की अदायगी नहीं हो पा रही. पूरे परिवार के बोझ से तंग आकर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, जो कि देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है. देश के अंदर कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़ी मात्रा में लोगों को काम पर रखा जाता है. यदि यह क्षेत्र इस तरह कमजोर होता रहा तो बेरोजगारों की वो हालत होगी जो देश के किसी अर्थशास्त्री ने कल्पना नहीं की होगी. कई बार सदन में इस विषय पर चिंता सभी माननीय सदस्यों ने की है एवं कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आते रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य कि केंद्र सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अभी हाल ही में किसानों को जिस तरह से रासायनिक खाद का संकट झेलना पड़ा और भारी महंगे दर पर खाद खरीदकर किसानों को खेत में डालना पड़ा, केंद्र सरकार देश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पाई. सिंचाई के संसाधन आधे अधूरे हैं, पैसों के अभाव में परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही. ऐसी स्थिति में किसान के इस दर्द को क्या गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि किसानों की फसल की बीमा की जो अभी तक नीति है उसमें संशोधन करते हुए किसान के खेत को इकाई बनाया जाए एवं जो प्रीमियम किसान से लिया जाना है उसका 40-40% राशि केंद्र एवं राज्य सरकारें दें तथा 20% प्रीमियम की राशि किसानों से ली जाए. इस नीति के बन जाने के बाद थोड़ा सा किसानों को राहत अवश्य मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है. इसके साथ ही FDI से देश के किसानों को बचाया जाए तथा रासायनिक खाद की सब्सिडी 100% सभी किसानों को दी जाए. धन्यवाद.